वेक्टराइज कैसे करना है, वेक्टराइज कैसे करना है और उसको इनकोड कैसे करना है अपने डेटा को, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी प्री प्रोसेसिंग अभी हो रही है, टेक्स्ट हमारा रेडी है, दैट्स वेरी गुड। हमसे जो हो सकता था हमने टेक्स्ट को जो सफाई सुथराई कर ली है, उसके बाद हमें वेक्टराइजेशन में के अंदर जाना है। scikit-learn इस्तेमाल कर रहे हैं हम, sklearn का फीचर एक्सट्रैक्शन, उसमें से टेक्स्ट काउंट वेक्टराइजर, ठीक है, काउंट वेक्टराइजर जो लाइब्रेरी है ये हमें वेक्टराइज करके देती है, ठीक है, ये हमें वेक्टराइज करके देती है चीजों को। क्या होता है जी, अच्छा अब इस वेक्टराइजेस जब लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे काम हो सकता है कि हमें ये करना ही ना पड़े यहाँ पर, स्टॉप वर्ड्स के और इसके उसके, ठीक है, लिमिटाइजेशन के, इसके शायद लाइब्रेरी जो है वो खुद ही करने को दे दे हमें, खुद ही ये काम करने को करके दे दे हमें, ठीक है, ये बात समझिएगा जरा, हम शायद हमें ना भी करना पड़े, अच्छी बात है ना करना पड़े, देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने रोक दिया था कि यहाँ पर जो है क्या करता है, हमारे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट नंबर वन, डॉक्यूमेंट नंबर टू, डॉक्यूमेंट नंबर थ्री, अपने काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, वेक्टराइजर उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, काउंट वेक्टराइजर में इनपुटिंग हुई, कंटेंट हुआ, ये हुआ, अपर केस लोअर केस, ठीक है, लोअर केस टू हुआ, हम ये जो अपर केस आ रहा है लोअर केस खुद ही कर देगा, हमें करने की जरूरत नहीं, प्री प्रोसेसर हटाया हुआ, टोकनाइजर हटाया हुआ, स्टॉप वर्ड हटाए हुए, अगर ये लगा देंगे तो ये हमें स्टॉप वर्ड वाला ऊपर काम जो हमने किया नहीं करना पड़ेगा। एन ग्राम और बाई ग्राम मैं समझाऊंगा, ठीक है, बाइनरी जो है अभी फॉल्स हुआ हुआ है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ बाइनरी ट्रू किया हुआ है, मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, फिर आउटपुट देखेंगे। एन ग्राम भी जो है मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अभी एन ग्राम समझाऊंगा मैं, फिर आपको बात समझ में आएगी व्हाट इज एन ग्राम। एन ग्राम बाय डिफॉल्ट क्या है, एन ग्राम वन वन की रेंज है, ठीक है, एक एक सेंटेंस। हमने क्या करना है, काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बना लिए और बाइनरी बाय डिफॉल्ट चेक कर लूं जरा, मैं एक मिनट, बाइनरी भी फॉल्स है, बाइनरी भी अभी हटा देता हूँ, डायरेक्ट उसने काउंट वेक्टराइजर बना दिए, ठीक है। इस काउंट वेक्टराइजर को मैं अपना डॉक्यूमेंट जो है वो दे रहा हूँ, अपना डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ प्रोवाइड किया, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड किया, इस फिट मेथड चलता है, ठीक है, फिट मेथड के बाद जब उसने फिट चला लिया तो उसने मुझे रिटर्न, अब उसके बदले जो है कुछ वोकैबुलरी रिटर्न की होगी, ये वोकैबुलरी क्या है, ठीक है, पहले इसको भी समझ लें कि भाई ये वोकैबुलरी जो है वो कैसे काम करती है बैग ऑफ वर्ड्स में, और इसके अंदर हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर वन है उसके अंदर वोकैबुलरी क्या है, मैं इसको पेंट पे कर लेता हूँ जरा जल्दी जल्दी, इसको समझ लें हमेशा के लिए, आइंदा भी कभी एनएलपी पढ़ें तो टर्मिनोलॉजीज और सारी चीजें जो पता हो, ये बड़े अहम कॉन्सेप्ट है, इम्प्लीमेंट तो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता नहीं होता, जिसकी वजह से इंटरव्यू में फेल हो रहे होते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या, वन गीक हेल्प टू गीक्स, क्या है अभी हमारा सेंटेंस है, टेक्स्ट वन गीक हेल्प्स वन गीक टू गीक्स, अब वोकैबुलरी अगर निकालने जाऊं तो मैं, मेरा ये डॉक्यूमेंट वन है,
आई एम अज्यूमिंग कि मैं सबको लोअर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो लोअर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, तो हम इधर आ जाते हैं। क्या बनती है वोकैबुलरी हमारे पास? वन, ठीक है, और क्या है? गीक्स, और गीक्स टू। गीक्स तो अगर वो हम लिमिटाइज करेंगे गीक उसी पे कन्वर्ट हो जाएगा ना, लोअर में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको, हमारी एक्चुअल वोकैबुलरी ये बन गई, वन गीक हेल्प टू, राइट, सही कह रहा हूँ, समझ में आती बात? जी सर, समझ आ रही है। फिर डॉक्यूमेंट टू जब मैंने किया, अब दूसरा मेरे पास सेंटेंस क्या है, टू गीक हेल्प फोर गीक्स, इधर क्या वोकैबुलरी होगी भाई? टू तो नहीं आएगा, नो सर, टू नहीं आएगा, है टू आएगा नहीं आएगा, टू एक बार दबाया हुआ है सर, ठीक है, अच्छा मैं ले लेता हूँ, चलो टू अभी अलग अलग कर लूंगा, टू इसी अभी एक एक डॉक्यूमेंट की अलग अलग देख रहा हूँ असल में, टू गीक हेल्प फोर, डॉक्यूमेंट थ्री में क्या है? ईच ईच गीक हेल्प, नहीं अदर गीक, मैनी एट फोर अदर गीक, बस गीक हेल्प, और कोई रह गया? गीक 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 रिपीट हो रहा है, बाकी एड वेड को ये स्टॉप वर्ड्स में हटा देंगे हम, चलो ठीक है, शायद मैनी और अदर भी हट जाए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ऐड कर लेते हैं, कोई बात, गीक रिपीट हो रहा है सर, गीक रिपीट हो रहा है, गीक भी हटा दी, अदर और मैनी भी हटा रहा हूँ, अदर हटाया तो मैनी रहने देता हूँ, चलो ठीक, ठीक है, ये तीन हमारे पास है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब देखो मैं इसके अंदर से मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी वोकैबुलरी क्या है, वोकैबुलरी मेरे पास सबसे पहले मैं कहता हूं वन, और क्या है, हेल्प, ठीक है, टू दोबारा आ रहा है, छोड़ दो, फिर फोर, गीक भी हट गया, अब यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, फोर, और नीचे वाले में ईच हेल्प, ईच मैनी हेल्प, हेल्प हेल्प तो ऊपर हो गया ना, हेल्प तो ऊपर हो गया ना, अब वन जो है वो कितनी दफा आया अभी, एक दफा आया, गीक कितनी दफा आया, थ्री टाइम्स, हेल्प कितनी दफा आया, थ्री टाइम्स, टू वन टाइम, दो दफा आया टू यार, बल्कि सॉरी, ठीक है, फोर कितनी दफा आया, वन Each one, many one. सर वोकैबुलरी में ये जो numbers हैं ये lemmatization और stemming के बाद हम numbers count करेंगे, क्योंकि पहले तो हमारे geek ज़्यादा times आ रहा था ना, देखें up to you है, अगर आप समझते हैं कि मेरा text जो है उसको lemmatize होना चाहिए तो आप उसको lemmatize के process से गुजार के यहाँ ले आए, अगर आप कहते हैं नहीं यार जाने दो, ठीक है आपकी मर्जी, उससे क्या होगा, उससे रिपीटेड वर्ड आएंगे, ये आएगा गीक्स गीक्स, तीन तीन वेक्टर्स बन रहे होंगे एक ही वर्ड के, गीकिंग आ रहा होगा, गीकली आ रहा होगा, गीक इनटू आ रहा होगा, अब आप क्या करेंगे, इधर वोकैबुलरी में हम सारे डॉक्यूमेंट्स का वो कर रहे हैं, लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग के बाद काउंट कर रहे हैं, जी हाँ उसके बाद काउंट कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की लेमेटाइजेशन, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ वही सवाल है जो शुरू में हमने देखा, हमने जब डेटा लोड किया उसने कहा सर 10,000 वर्ड्स ले लो, मैंने कहा था टॉप फ्रीक्वेंसी वाले 10,000 वर्ड्स ले लो, याद है, तो वो फ्रीक्वेंसी उसने ऐसे ही निकाली होगी, लिमिटाइज किया, ये किया कि नहीं भी किया हो, लेकिन प्रोसेस जो यही होगा, अगर उस वाले केस में नहीं किया, अगर आप करेंगे तो ये होगा, अब मैं आपसे कहता हूँ भाई
कि भाई जो है ना लोड करते वक्त डेटा जो है ना टॉप थ्री नम वर्ड्स में मैं लिख देता हूँ भाई टॉप के जो है ना वो दो वर्ड्स उठा लो बस वोकैबुलरी के लिए। अब दो वर्ड्स कौन से उठाएगा वो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, तो पहला कौन आ जाएगा गीक और दूसरा कौन आ जाएगा हेल्प। बस टॉप के टू वर्ड्स तो यही है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, समझ रहे बात? यस और नो? यस सर। इसी तरह वहां पर जब नम वर्ड्स में लिखा हुआ है टॉप 10,000 तो देयर विल बी लॉट ऑफ वर्ड्स, उनमें से उसने वोकैबुलरी बना के जो है वो ये काम कर लिया, ठीक है। अच्छा अब वोकैबुलरी हो गई तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वन है वो सिमट के क्या बन जाएगा? विकेब वन। हाँ गीक, नहीं मैंने हमारे पास जो वन गैक गीक हेल्प और टू गीक, चलो वो तो हम अच्छा ये तो हमने लिख ही लिया ना यार, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये बन गया सेंटेंस हमारा चेंज हो गया ना, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ना ये जो नजर आ रहा है ये हमारा वो वैसा डॉक्यूमेंट तो नहीं रहा ना जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट था वन गीक हेल्प टू गीक्स, वन गीक हेल्प टू लिखा हुआ आ रहा है, टू गीक हेल्प फोर, टू गीक हेल्प फोर, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब इधर देखते हैं सिस्टम में कि ये इसने क्या किया, इसने क्या किया हमारे पास, यहाँ इसने क्या किया, इसने हमने वो कैप दिया, मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको बंद कर रहा हूं, मैंने कहा भाई वेक्टराइजर डॉट वोकैबुलरी। अच्छा हमारा वोकैबुलरी साइज कितना है यहाँ पर, आगे हटा दिए मैंने, चला गया, कितने कितने आ रहे थे सर? अंडू उसके काउंट नहीं आ रहे, उनका इंडेक्स आ रहा है जो उसने वेक्टराइजेशन के लिए इसको इंटीजर नंबर असाइन किए, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, वन की जगह क्या लिखा हुआ होगा नाइन, गीक की जगह क्या लिखा होगा फोर, हेल्प्स की जगह क्या लिखा होगा सेवन, टू की जगह लिखा होगा इलेवन, तो हमारा एक न्यूमेरिकल वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। नाइन वन की इंडेक्स है, नाइन वन की इंडेक्स नहीं है, जब अभी मैं यहां समझा रहा था आपको कि उसने वोकैबुलरी को सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वन नीचे चला गया, टू ऊपर चला गया, हेल्प इधर चला गया, वो वहां चला गया ना सॉर्टिंग करने के बाद, तो जो टॉप पे होगा उसे टॉप का इंडेक्स मिल गया होगा, तो वन को नाइन पोजीशन पे मिल गया इंडेक्स। अब इन्होंने ईच, मैंने ये सब लिखा हुआ है, एड भी लिखा हुआ है, इसलिए इनका इस तरह का आ रहा है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया होगा उसने, कर दिया उसने। हमारा इससे कंसर्न भी नहीं कि उसने क्या इंडेक्स असाइन किया है, बस ये है इंडेक्स सॉरी कर क्या नंबर असाइन किया है, पर्टिकुलर नंबर उसने खुद किया है, रैंडम किया है, लेकिन एक यूनिक नंबर जो है टोकन जो है वो एक टोकन को एक न्यूमेरिकल आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, और 12 के करीब जो है वो ये बने हमारे पास। यहाँ कितने वर्ड्स हैं, 20 में क्या क्या मिस किया उसने, देखो उसने लोअर किया वन आ गया, गीक एक दफा आ रहा है, गीक्स भी आ रहा है, देखो यहाँ ये नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसने वो वाला प्रोसेस नहीं किया जो हमने चाह रहे थे हम, चलो कोई बात नहीं किया उसकी मर्जी, वो गीक के लिए अलग वेक्टर बनाएगा, गीक्स के लिए अलग वेक्टर बनाएगा, हेल्प फोर और क्या रिपीटेड वर्ड हेल्प और हेल्प है दोनों दफा आ रहा है, हेल्प भी आ रहा है और हेल्प्स भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, यानी इसने इसको स्टैमिंग नहीं करी ना, अदर भी आ रहा है, एड भी आ रहा है, स्टॉप वर्ड भी नहीं निकाले हुए, राइट समझ में आ रही बात?
सर ये फिट डॉक्यूमेंट और काउंटर वेक्टराइजर करेगा क्या जो भी हमने किया था फिट डॉक्यूमेंट का? जब हम डीप लर्निंग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम मॉडल को चलाने के लिए क्या करते थे, फिट चलाते थे, फिट मेथड। जी सर बिल्कुल। ये फिट जो है समझ लें एग्जीक्यूशन कर देता है अपने फंक्शनैलिटीज की, उसको डाटा चाहिए होता है, डाटा दे दिया हमने और उसने एग्जीक्यूशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एग्जीक्यूशन करने के बाद उसने वेक्टराइजर के ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया, कितनी चीजें आ गई सारी, और मैंने वोकैबुलरी चेक कर ली, क्या वोकैबुलरी बनी, उसकी लेंथ कितनी। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा फिट कराने के बाद इसके अंदर, यहाँ पर वेक्टर बनाऊंगा, न्यूमेरिकल नंबर मिल गए इनको। अब ये न्यूमेरिकल नंबर्स जो हैं वो 0-1 के वेक्टर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि ये नंबर्स हैं। मैंने लास्ट टाइम समझाया था, मैंने नंबर नाम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर नाम ही नंबर, नंबर ही नाम है तो उसको नाम की तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैटेगोरिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि वो नाम लगे, नंबर ट्रीट ना, उसकी टाइप इंटीजर ना हो। तो उसका फिर एक ही हल है कि हम उसको इनकोडिंग करते हैं। हमने यहाँ पर वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म किया अपने डॉक्यूमेंट को, फिट डॉक्यूमेंट कर दिया, फिट हो गया, डॉक्यूमेंट बन गया, ये वोकैबुलरी बनी उसके अंदर। अब उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं, वेक्टर बनेगा। अच्छा जी, अब मैंने इसको चलाया यहाँ से, राइट। चलाने के बाद अब वेक्टर मेरे पास अभी किस शक्ल में आया है, लेट मी चेक इट, प्रिंट वेक्टर, ये वेक्टर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेसिकली। ये आ गया 0 to 4, 1, 0 to 5, 1। अब ये क्या आया मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इस वेक्टर को क्या करता हूं, एरे में कन्वर्ट करता हूं, वेक्टर टू एरे में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। यहां से प्रिंट वेक्टर, चलो लिखे रहने दो, एरे में कन्वर्ट किया तो ये आ गया इनकोडेड डॉक्यूमेंट। अच्छा, जब ये इनकोडेड डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ, तो ये तो बाइनरी नहीं बना, ये तो थ्री भी आ रहा है, ये तो टू भी आ रहा है, आएगा आएगा। हमने अभी यहां पर काउंट वेक्टराइजर लगाया, काउंट ने कहा कि जो चीज जितनी दफा आई उसका काउंट बढ़ाते रहो। मैं समझाता हूं अभी आपको एक चीज, यहां पर आ जाए, ये मेरी वोकैबुलरी है, ठीक है, यहां पर आते हैं। अब फर्दर स्टेप क्या होता है कि भाई डॉक्यूमेंट वन समझिएगा, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री, नेट आ रहा हूं, लाइट जरा चली गई तो मैं यूपीएस जरा तक कर रहा, हाँ जी। तो जो टोटल वोकैबुलरी बनी थी हमारे पास, ठीक है, अब वो कैसे चलती है, कितनी वोकैबुलरी थी हमारे, कितने लेटर बने थे अगर हम इस वाले को देखें, जरा मुझे वोकैबुलरी लिखवाएं क्या क्या थी, याद है? One, geek, help,
टू टू फिर उसके बाद एक तो हो गया मैं नहीं सर फोर फोर के बाद मैनी ये हमारे पास वोकैबुलरी की तादाद है कितनी सिक्स तो अब हम यहाँ कह सकते हैं भाई हमारे पास फोर फाइव ये हमारे पास मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ वेक्टर बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ स्लो स्लो थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ जल्दी नहीं बता रहा हूँ कि एक बार समझ में आ जाए इंशाल्लाह अब हमारे पास जो सेंटेंस वन था वो क्या था भाई वो ये था वन गीक हेल्प्स टू ठीक है अच्छा इस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या क्या है भाई वन गीक हेल्प टू फोर ईच मैनी ठीक है थोड़ा समझ लीजिएगा आगे पीछे हो जाएगा कोई मसला नहीं वन गीक हेल्प टू फोर ईच मैनी का क्या फ्रीक्वेंसी नंबर हुआ सेवन हुआ डाल देते ठीक है अब यहाँ आ जाए अब देखो इनकोड कैसे हो रहा है ठीक है डॉक्यूमेंट वन के अंदर वन कितनी दफा आया एक दफा वन टाइम एक एक दफा आया हेल्प कितनी दफा आया एक दफा आया टू कितनी दफा आया एक दफा आया फोर कितनी दफा आया जीरो दफा आया ईच जीरो दफा आया मैनी जीरो दफा आया ये हो गया इनकोड डॉक्यूमेंट टू के अंदर वन कितनी दफा आया जीरो गीक कितनी दफा आया वन हेल्प कितनी दफा आया वन फोर टू कितनी दफा आया जीरो फोर कितनी दफा आया वन ईच कितनी दफा आया जीरो मैनी कितनी दफा आया जीरो डॉक्यूमेंट थ्री के अंदर ईच कितनी दफा आया वन कितनी दफा आया जीरो दफा गीक वन टाइम फोर नहीं आया ईच नहीं आया और मैनी कितनी दफा आया एक दफा आया अच्छा अगर अगर यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर भी जो है वो मैनी होता ठीक है और यहाँ पर दो दफा मैनी होता बल्कि ऊपर तो नहीं यहाँ पर दो दफा मैनी होता यहाँ पर जो है वो मैनी ये मैनी नहीं होगा यहाँ पर गीक होता मैनी के बजाय यहाँ पर गीक होता और यहाँ पे जो है वो एक और दफा हेल्प होता बड़ा सेंटेंस होता आ जाता वहां पर तो यहाँ पर क्या होती यहाँ पर ये काउंट जो है डॉक्यूमेंट थ्री के अंदर मैनी का कितनी दफा काउंट हो जाता दो दफा होता ठीक है डॉक्यूमेंट वन के अंदर गीक का काउंट जो है वो कितनी दफा हो जाता दो दफा हो जाता वो तो ज्यादा दफा थे ना वो तो हमने खुद रिमूव किए थे हमने खुद इसीलिए वहां पर क्योंकि उन्होंने प्रोसेस से नहीं गुजारा तो इसलिए ये प्रोसेस हो गया लेकिन अगर नहीं होता है ज्यादा दफा होगा तो दिस विल बी रिपीटेड कि यहाँ पर जो है वो असल में वो मैंने सिर्फ वोकैबुलरी निकालने के लिए किया था लेकिन एक्चुअल में तो डेटा में मौजूद है ना सर तो ऑप्टिमाइज वे कौन सा है ऑप्टिमाइज वे ये है जो आप ज्यादा अच्छा ये है कि जितनी अच्छी प्रोसेसिंग करेंगे प्री प्रोसेसिंग रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे और अब ये सिलसिला होगा कोई तीन दफा आया तो तीन दफा होगा इसलिए यहाँ आउटपुट में आपके पास काउंटिंग में जो है वो दो भी आ रहा है तीन भी आ रहा है लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लिसिटली कह देंगे बाइनरी को क्या कर देंगे सच्चा ट्रू तो फिर वो कह देगा अगर एक बार एक चीज आ गई है तो उसका काउंट भले दोबारा आ जाए नंबर चेंज नहीं करना तो वो काउंट फिर जो टू है वो टू नहीं रहेगा ठीक है वो क्या रहेगा
वन ही रहेगा। बाइनरी से उसको क्या मिल जाएगा मैसेज, क्योंकि अगर पहले आ गया ठीक है, दोबारा आ रहा है तो उसको टू नहीं करो, वन ही रहने दो। क्लियर? तो यहां पर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस चीज को यहां से मैंने बाइनरी रिमूव किया था, बाइनरी ट्रू करेंगे सर, मैं इसको बाइनरी ट्रू कर देता हूं। अब देखें हमारे पास क्या होगा, खत्म हो गया, 0101 हो गया। बात क्लियर है सर? क्लियर? हाँ भाई सब बोले? यस सर। जी सर। हो गया। तो टू एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये याद रखना, ताकि सही विजुलाइज कर सके। और अब चलो, तो अब ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि काउंट वेक्टराइजर जो है वो कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे चलेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम अपने काम पे ऊपर आ जाते हैं, जो हम काम कर रहे थे वहां। हमने तो ये शॉर्ट एग्जांपल इसलिए करी थी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ लिखा भी है शॉर्ट एग्जांपल, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, हम इसके अंदर अब एक चीज और ऐड करनी होगी, वो है एनग्राम्स। एनग्राम क्या चीज होती है ये बड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, ये जो अभी हमने काम किया है इसको हम बैग ऑफ वर्ड्स कहते हैं, और बाइनरी हमने ओपन कर दिया है इसलिए इसको बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स कहेंगे। ठीक है, याद टर्म याद रहेगी, दिस इज कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड्स, और बाइनरी हमने ओपन कर दिया है तो इसलिए बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम ये आती है, जो सेंटेंस की सिमेंटिक मीनिंग है ना वो मिस हो जाती है। एनएलपी का जो सबसे बड़ा मसला था वो यही था कि भाई यहाँ हर वर्ड अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, और हमें भी देखने से ये लग रहा है कि हमने इतने सारे जो है ना स्टॉप वर्ड्स में हटा दिए, लेमिटाइजन में इसमें चीजें जो है ना वो कम करने की वजह से ये हमें ही नहीं समझ में आ रहा सिस्टम को, मॉडल को कैसे समझ में आएगा, सिमेंटिक मीनिंग कैसे जो है ना समझ में आएगी, एक वर्ड का कम्बिनेशन दूसरे वर्ड के साथ जो है वो कैसे समझ में आएगा। दिस वॉज द प्रॉब्लम। इसके लिए एक और एल्गोरिथम है जिसे हम, एक और टेक्नोलॉजी है, एक और लॉजिक है जिसे हम एनग्राम्स कहते हैं। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देयर कैन बी 1 एनग्राम, 2 एनग्राम, 3 एनग्राम, 4 एनग्राम। हम जो अब वेक्टराइज करेंगे वो एक एक वर्ड को नहीं करेंगे, वो वोकैबुलरी बना के, लाइक हमने यहाँ पर एक एक वर्ड को किया था ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोकन जो बनाएंगे वो टोकन वन वर्ड का नहीं बनाएंगे, टोकन हम वन वर्ड का, अगर हमने फॉर एग्जांपल कहा कि एन ग्राम बनाओ थ्री का एन ग्राम बनाओ, और हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है कि भाई वन ईक हेल्प्स अदर, हेल्प्स क्या था, टू गिग्स। इसके अंदर जो टोकनाइजेशन होगी वो टोकनाइजेशन क्या होगी, टोकनाइजेशन होगी 1 गिग हेल्प, 2 गिग्स। अभी मैं जाने दे रहा हूं, एक बार रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दोबारा टोकनाइजेशन होगी 1 गिग एक चलिए ये है, इसके बाद आगे होगी 1 गीक, गीक हेल्प्स, और क्या था भाई, हेल्प्स, फिर उसके बाद तीसरा ग्राम बनेगा 1 गीक, क्या बनेगा भी 1 गीक हेल्प। ठीक है, फिर गीक हेल्प 2, फिर
फिर हेल्प टू गीक्स, ये हमारे पास वोकैबुलरी बनेगी। समझ में आ रही बात? अब जो टोकनाइजेशन होगी वो सिंगल वर्ड पे नहीं होगी बल्कि कंबाइनिंगली एनग्राम्स बनेंगे, बाइग्राम्स बनेंगे, ट्राइग्राम्स बनेंगे और ये मामला आगे चलेगा। जी बताइए, बात क्लियर है? क्या किया मैंने सर? एक दफा फिर से एनग्राम्स रिपीट कर दें, मैं बीच में सर नेट गायब हो गया था, मिस हो गया मुझसे ये पार्ट। ठीक है ठीक है, बताता हूँ। देखो होता ये है कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये, जब मैं वन वन सेंटेंस की टोकना, वन वन वर्ड की टोकनाइजेशन करता हूं तो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी होने की वजह से और वेक्टर के आगे पीछे होने की वजह से वो कंबाइनिंगली सेंटेंस की सिमेंटिक मीनिंग नहीं समझ में आते। तो इन्होंने क्या किया कि सिमेंटिक्स को थोड़ा रिटेन किया जाए, बरकरार किया जाए, इनका हम एक टेक्निक लगाते हैं, आप जो है ना एनग्राम बनाए वन से लेके थ्री तक का, यानी जो टोकनाइज करें वो एक से लेके थ्री तक करें। अब मैंने पहले वन पे टोकनाइज किया, एक एक वर्ड ले लिया सेंटेंस का, ठीक है ये तक गया, एक एक पूरे हो गए, थ्री तक जाना है तो पहले टू भी आएगा, वन गीक का एक वर्ड ले लिया, फिर गीक हेल्प का एक टोकन ले लिया, फिर हेल्प टू का एक टोकन ले लिया, ठीक है, फिर टू गीक्स का भी लेना था वो मैंने लिया नहीं, भूल गया हूँ, टू गीक्स का भी टोकन ले लिया, फिर थ्री गीक्स, थ्री का थ्री वर्ड्स का लिया, वन गीक हेल्प, गीक हेल्प टू गीक्स, ये हमारे पास सारे बन गए। ठीक है, इसके लिए हमने किया क्या यहाँ पर, इसके लिए हमने सिंपली क्या किया कि यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो है आपने एन ग्राम रेंज, अभी बाई डिफॉल्ट वन वन है, बाई डिफॉल्ट कितनी है वन वन है, आप क्या करेंगे इसको वन से टू कर देते हैं फॉर द टाइम में, दो दो ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ हमारे पास, देखो वोकैबुलरी में नजर आ जाएगा आपको, वोकैबुलरी बढ़ गई, वन गीक हेल्प टू गीक्स, वन गीक हेल्प्स, हेल्प्स टू, टू गीक्स हेल्प, फोर गीक्स हेल्प, फोर फोर गीक्स ईच, मेनी अदर, ठीक है, डिक्शनरी की वजह से रैंडम आ रहा है बट यू कैन सी देर आर नाउ टोकन टोकन्स ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने एनग्राम्स बनाते हैं, ये सारे जब मॉडल बना रहे होंगे मुख्तलिफ हाइड्रेशन करेंगे, दिमाग लगाएंगे, कहीं ना कहीं चेंजेस करेंगे, तो अप टू यू है कि हम क्या करेंगे। मैंने तीन तीन कर दिए, जब तीन तीन करे तो देखो यहाँ पर तीन भी आ गए, geeks for geeks, geeks has many, ठीक है, कोई सवाल इसमें? सर इसमें ये लेंथ बढ़ रही है ना, लेंथ तो कम होनी चाहिए आई थिंक। नहीं देखो कम बढ़ तो रही है लेकिन अब जो वेक्टर बन रहा है वो दो दो वर्ड्स का बन रहा है, वो ज्यादा क्लोज मीनिंग रखता है समझदारी समझने के लिए, ठीक है ना, ये भी तो है ना, कितना बड़ा वेक्टर बन गया जा रहे हमारे पास। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एन ग्राम, बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ऑटोमेटिकली वर्ड्स उठा रहा है या कोई इसके पीछे भी इसका कोई फार्मूला है? ऑटोमेटिकली वो मैंने पूरा प्रोसेस मैन्युअली आपको करके दिखाया ना, इसका फायदा क्या है किसका एनग्राम्स यूज करने का? अभी तो मैं यही तो आपको समझा रहा था, मैं आपको खाली ये दे दूं वन, ये लो भाई वन, ठीक है, और फिर आप घूम घूम के दूसरे कमरे से आए, मैं आपको दे दूं भाई मैनी, अब आपको समझ नहीं आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं, वन कभी मैनी, पागल तो नहीं हो गए? तो सिमेंटिक नहीं समझ में आ रही ना आपको, लेकिन अगर आप मैं आपको कह दूं ईच गीक हेल्प्स, तो इज देयर एनी मीनिंग इन इन दिस थ्री वर्ड्स? डेफिनेटली है, फोर गीक्स, ठीक है, हाँ समझ में आ रही है बात, गीक हेल्प्स फोर, तो समझ में आ रही है बात। तो जैसे जैसे
अब इतना बड़ा भी एनग्राम ना बना दें कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही उसके अंदर आके बैठ जाए, ठीक है। हर चीज पे कुछ कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा सा जो है वो आपको उसके अंदर मार्जिन रखना पड़ेगा। बहुत बहुत लंबी रेंज भी ना दे दें कि पूरा सेंटेंस ही आ जाए उसके अंदर। यस सर, ये डिपेंड करता है हमारी लाइब्रेरी के अंदर ना, मींस जो हम, भाई किसकी आवाज आ रही है पीछे से? हेलो जी, हां तुम्हारी तरफ से आ रही है आवाज। सर एक्चुअली ऑफिस में हूं तो मैं जल्दी शॉर्ट शॉर्ट करता हूं। ठीक ठीक सर, इसमें जो लाइब्रेरी हमारी बनती है, मींस जो हमने डिक्शनरी बनाई जाते हैं अपने वोकैब सेव करता है, तो ये तो डिपेंड करता है कि हम हमारे ऊपर कि हम कितना बड़ा जो है ना सेंटेंस इसमें स्टोर करवा रहे हैं जो बार बार रिपीट हो। ये वही चीज है जो हम अपनी डिक्शनरी बना रहे होते हैं नॉर्मली। हाँ बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अब यहाँ वहां तो रैंडम हम बना रहे हैं, तो डिक्शनरी यहाँ लॉजिकली है ना, वो हमें खुद निकाल कर कन्वर्ट करके दे रहा है हमारी दी गई पैरामीटर्स के बिहाफ पे, दी गए पैरामीटर्स के बिहाफ पे। अब यहाँ पर अब मैंने यहाँ स्टॉप वर्ड भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अब ये स्टॉप वर्ड में वो वर्ड सारे ले रहा था, यहाँ पर मैंने स्टॉप वर्ड में उसे कह दिया कि भाई इंग्लिश वही वाले जो वहां दे रहे थे स्टॉप वर्ड इस्तेमाल कर ले। मैं जाके देख लेता हूँ इसकी क्या क्या वैलिड आर्गुमेंट्स हैं, गलत तो नहीं लिख रहा, टाइम हो जाता है भूल जाते हैं। Stop, 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 stop. आया तो नहीं? आया था। Stop words, English. Yeah, सही डाला English, ठीक है। तो English के stop word ले लो, तो stop words फिर वो remove हो जाएंगे वो वाले सारे। कौन से वाले? वो add, many, देखो क्या क्या निकल गया। कम हो गया? कितने थोड़े से रहेगा? Yes, sir. ठीक है, सब निकाल दी उसने, मैनी मैनी एड फॉर जो जो निकाल सकता निकाल दी। ठीक है सर, मतलब हमारा सेंटेंस इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि जो मतलब एक ही सेंटेंस पूरा रिपीट हो गया और दोबारा वो रिपीट ही नहीं होगा। तो मैंने स्टॉप वर्ड भी डाल दिए और उसके बाद देखो अब ये थोड़ा सा बैलेंस हो गया है, इतना बुरा नहीं लग रहा। और कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर तो बहुत सारे हैं, अभी मैं देखता हूँ क्या क्या हम देख लें इसके अंदर। मैक्सिमम फीचर्स ये वही वाला है कि भाई कितने फीचर रखने हैं, अगर आप यहाँ ज्यादा आ गए आप कम कर दें। बाइनरी मैंने कर लिया, डेटा पाए हुए मैक्सिमम, ठीक है, एनालाइजर वर्ड एनग्राम टोकन पैटर्न, ठीक है, टोकन तो मैंने बताए दिए कि वर्ड्स चाहिए, और ये टोकन पैटर्न पूरी जो हमने वहां पर दी थी ना रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए फिल्टर किए थे, आप अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ इसके अंदर भी फिट कर सकते हैं, जो रेगुलर एक्सप्रेशन वहाँ लिखी हुई थी वो यहाँ डाल दें। टोकनाइजर, टोकनाइजर में डाल दें वर्ड लेवल डालना है या सेंटेंस लेवल डालना है, लोअर केस भी ट्रू है, डिकोड एरर इनकोडिंग सही है, सही है, सारे पैरामीटर समझ में आने वाले हैं, जो एक दो है उसको छोड़ दीजिएगा। समझ में आ गई कि हम जो प्री प्रोसेसिंग में करके आए हैं यहाँ पर हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह के थ्रू फिल्टर किया था, वो भी वहाँ मौजूद है, वो भी आप ऐड करा दें तो वो अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन वहाँ पे इट विल वर्क, यहाँ पर ही वो सारा काम कर देगा। चले अब आगे बढ़े। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर दोबारा इंप्लीमेंट किया साइकिट लर्न फीचर एक्सेशन टैग काउंट वेक्टराइजर स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश बाइनरी ट्रू कर दिया, ठीक है, क्योंकि बाकी तो जो है ना मैंने वो इंप्लीमेंट किए हुए अपने कॉर्पस के ऊपर, मैंने छोड़ दिया फिर उसको, ठीक है। वी कैन अप्लाई एनग्राम्स मेथड इन बाइनरी बैग ऑफ वर्ड बाय जस्ट पासिंग एनग्राम पैरामीटर, अभी नहीं डाल रहे हैं एनग्राम्स, एनग्राम्स समझ में आ गए, आप ऐड करा दीजिएगा जब आप अगर करना हो, ठीक है। ये क्या करता हूँ मैं, अब वो जो पूरा कोड है वो जो हमारा पूरा कोड था पोर्टल स्टेमर हमने किया, स्टॉप वर्ड्स किया, ठीक है, लेमेटाइज नहीं किया, ठीक है, लेमेटाइज भी डाल देना चाहिए था। चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या किया हुआ है।
कोटर स्टेमर बनाया, कॉर्पस बनाया, स्टॉप वर्ड बनाया, फॉर सेंटेंस इन कॉर्पस वही डॉक्यूमेंट बनाया, एनएलटी के वर्ड सारा प्रोसेस वही किया, स्टैम किया, डॉक्यूमेंट ऐड कराया, कॉर्पस तैयार हो गया। ठीक है, कोड एरर क्या है अभी? कैन नॉट इंपोर्ट नेम, अरे स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर ना, फॉर स्टेमर हो गया सर, ये आपने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया शुरू में। फॉर स्टेमर, फॉर स्टेमर, क्वेश्चन मार्क लगा लगा, ये लाइन नंबर वन चेक कीजिएगा। हाँ 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 सही सही, फॉर स्टेमर मैंने ये कर दिया। अभी क्या है, स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप वर्ड की स्पेलिंग भी गलत हुई, क्या हो गया मेरे, ये अभी गलत हुई होगी, स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, ये मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया भाई, बाइनरी वर्ड बैग ऑफ वर्ड वेक्टराइजर ये मैंने बनाया था यहाँ पर, राइट, इसको मैंने फिट चला दिया इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो यहाँ मैं पास कर रहा हूँ स्टेम लिमिटाइज कॉर्पस, यहाँ मैंने खाली स्टेम कॉर्पस बनाया। आज मैंने टेस्टिंग करते हुए कर लिया होगा किसी को पढ़ाते वक्त कि भाई खाली स्टेम दे रहा हूँ तो क्या है, और ये वाला भी तैयार पड़ा है ना ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो टेंशन कोई नहीं, कोई स्टेमिंग वाला दे दो, या मैंने ये काम यहाँ बिलावजा रिपीट कर दिया था दे दिया वहां पर, तो स्टेम लिमिटाइजेशन दे देते हैं इसको। ठीक है, एक्स में डाल दिया, एक्स को प्रिंट कराया तो ये एक्स का ऑब्जेक्ट देगा, मैंने बताया था नंपाई की एरे का ऑब्जेक्ट देगा, इसको मैंने इस ऑब्जेक्ट को टू एरे में कन्वर्ट करना होगा। अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले वोकैबुलरी चेक करते हैं, वोकैबुलरी निकाली हमने, देखो ये आगे 61 बॉन, ये बड़ी लंबी सी वोकैबुलरी पूरे बना दी उसे, सब चीजें करने के बाद सबको वेक्टर का इंडेक्स दे दिया, लेंथ कितनी आ रही 130, तो 130 कैरेक्टर्स यहाँ बने, वहां जाके भी हम चेक कर लेते हैं हमारी इसकी लेंथ जो है वो कितनी है। ये तो 14 आ रही, सॉरी यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो सेंटेंस की लेंथ दिखा रहा है, हमें किसकी लेंथ चाहिए, वर्ड्स की लेंथ चाहिए, तो वर्ड्स की लेंथ कहाँ से निकालूंगा, कहाँ से निकालूंगा, जो टेक्स्ट हमारा बना था ये वाला, इधर से निकलेगी वर्ड्स की लेंथ। इसकी लेंथ कैसे निकालूं भाई, ये तो सेव ही नहीं है, वेरिएबल में डाल दे, चेक करता हूँ, डायरेक्ट चेक करता हूँ, नहीं डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, लेंथ आ रही है क्या, आ रही, इसको किसी वेरिएबल में डालता रहूँ यार उतनी ही होगी, वो क्या चेक कर लेना, आज से कर लेना, मेरा टाइम जाए हो रहा। हाँ सर वही, ये हमारे पास 130 लेंथ होगी इसकी ना, हम मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, बस निकाली भी तो है नीचे यार, x टू एरे में कन्वर्ट किया, तो ये आ गई हमारे एरे और उसकी शेप आ रही है। अगर मैं 10th 12th 13th कोई सा भी निकालूं, हर एक की लेंथ कितनी आ रही, हर वेक्टर की लेंथ कितनी आ रही, 130, 1/130, यानी टोटल वोकैबुलरी कितनी है भाई, 130, तो हर वर्ड के, हर डॉक्यूमेंट के लिए वोकैबुलरी कितनी होगी, 130 होगी ना, यहाँ पर हमने किया हर डॉक्यूमेंट के लिए, वो वेक्टर का साइज कितना होगा, 7 ही होगा ना, क्योंकि वोकैबुलरी टोटल कितनी है, 7 है भाई, ये बात समझ आ रही है, जितनी वोकैबुलरी होती है, 10,000 का वेक्टर बनता था ना वहां पर जब हमने 10,000 नंबर्स किए थे, तो यहाँ 7 है, तो डॉक्यूमेंट 1 के लिए जो वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 7 होगी, डॉक्यूमेंट 2 के लिए 7 होगी, डॉक्यूमेंट 3 के लिए भी 7 होगी, राइट। इसी तरह यहाँ पर मैंने डिफरेंट जो है वो ले लिए, डिफरेंट उसके अंदर 10वां जो डॉक्यूमेंट है, 12वां जो डॉक्यूमेंट है, 3रा जो डॉक्यूमेंट है, सबके वेक्टर की लेंथ कितनी, 130,
या मैंने जीरो के प्रिंट करके देखा तो ये भी काउंट करने पे कितने होंगे 130। ये बात क्लियर है सबको? जी भाई। यस सर। यस सर। ये तीन लोग भी बोले ये वन डायमेंशन है ना, वन डायमेंशन ना बाबा, वेक्टर इसका टू, ये टू डायमेंशन वेक्टर बन गया ना, वन रो और 30 कॉलम्स। यहाँ खाली मैंने शेप लिया, यहाँ प्रिंट किया तो शेप में तो शेप ही आएगी ना। यस सर, रो बनी रहेगी और कॉलम्स वो 30 हो जाएंगे। 130 हो जाएगा यहाँ पर है, रो नंबर 1 कॉलम 7 17, इसकी पहले वेक्टर की शेप 17। हाँ भाई, लेडीज लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्लियर? किचन में तो नहीं चले गए? चलो आजकल पकोड़े जो है ना क्लास के साथ साथ बना रहे होंगे सब। अच्छा, प्रिंट किया मैंने यहाँ पर प्रिंट, ये हमारा कॉर्पस है 0 1 2 3। ये यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैंने ऐसी टेस्टिंग के लिए जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है ना थोड़े थोड़े कोड घुसाता रहता हूँ, मैं खुद चेक कर सकूँ क्या हो रहा है। जो पहला मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने अपनी एरे ली, एरे पहली वाली के अंदर मैं काउंट लगा रहा हूँ कि भाई कितने वन आ रहे हैं। पहली में जो है ना एक ही वन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टू एरे का जीरो उठाया मैंने, जीरो में ये आ गया। इफ कोड, अगर क्योंकि एरे उठा रहा हूँ, अगर वो एरे के अंदर नंबर 1 हो जाए तो मैंने कहा कि भाई इसको जो है वो प्रिंट कर दो। फिर 17, 61, 63, यानी पहली बारी में इन इन पोजीशंस के ऊपर 1 है। पहले वाले डॉक्यूमेंट के इन इन, पहले वाले डॉक्यूमेंट का जो वेक्टर बना है उस वेक्टर के वर्ड्स जो हैं वो 1 इंडेक्स पर हैं, 17 इंडेक्स पर हैं, 61 इंडेक्स पर हैं, 63 इंडेक्स पर हैं और 80 इंडेक्स पर हैं। लेट्स सी, इंडेक्स उसका वेक्टर ये है ना। अब मैं आता हूं यहां पर 1 पे जाके अपने इधर देखता हूं वोकैबुलरी में 1 पे कौन है, जस्ट फॉर टेस्टिंग भाई। 1 1 1 कहीं नजर आए तो बताना। ऊपर चला गया मैनुअल, इस ऊपर चला गया यार, बताया नहीं तूने यार। 1952। अच्छा जी, और उसके बाद 17 पे क्या है अभी, ये तो 17 71 है। 17 17 17 ये आ गया बॉन, सेकंड लास्ट बॉन, ठीक है। तो इसको इस तरह चेक कर लेना जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार हम जो सोच रहे हैं उसी तरह हो रहा है, नहीं हो रहा, वैसे तो वैसे ही हो रहा है इन बस समय। अब ये सारा काम जो है एक ही कोड में कर दिया है, जरा ये कॉम्प्लेक्स कोड हो गया, बट कोड ऐसा ही होना चाहिए। देखो जरा समझ में आ रहा, थोड़ा सा जुगाड़ करी हुई कोड को शॉर्ट करने के लिए। एनएलटी के इंपोर्ट्स का कॉर्पस बनाया हमने, सेंटेंस में से जो भी सेंटेंस आएगा उसको फिल्टर किया, फिल्टर भी कर लिया, साथ साथ उसको लोअर में भी किया, साथ साथ तोड़ भी लिया, टोकन भी बना दी, रिव्यू बन गया। अब हमने क्या किया, रिव्यू में से वर्ड उठाए, वर्ड को चेक किया, अगर वो स्टॉप वर्ड्स में नहीं है ठीक है तो उनका सेट बना लो, अगर रिपीट हो रहे हो तो रिपीटेशन खत्म कर देना, सेट खत्म कर देता है ना, रिपीटेड वर्ड खत्म कर देना, और फाइनली जो वर्ड बचे उसको लेमिटाइज करके लिस्ट का पार्ट बना देना। कोड समझ में आया? यस सर। सर एक किसी को नहीं आया तो बोलो। देखो यहां से शुरू होगा कोड, रिव्यू समझ में आ गया, रिव्यू समझ में आ गया कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जो सेंटेंस आ रहा है उसमें से सिर्फ वर्ड्स लेना, कैपिटल और स्मॉल, लेटर्स लेना और 0 to 9 लेना, ठीक है, और उसको आखिर में लोअर में कन्वर्ट कर देना और फिर स्प्लिट कर देना। जब स्प्लिट करेंगे तो उनकी बन जाएगी लिस्ट,
अगर आप व्यू करना चाहते हैं प्रिंट कर लें, लेकिन 6 दफा तो कर चुके हैं ऊपर। आगे हमने क्या किया, आगे हमने बोला रिव्यू को, रिव्यू से एक एक वर्ड जो है वो आइट्रेट करो। क्या वर्ड में आया, एक वर्ड उठाया, वर्ड को चेक किया कि जो वर्ड उठाया है इफ नॉट वर्ड इन सेट, अगर वो स्टॉप वर्ड्स में नहीं है, स्टॉप वर्ड में, ठीक है, इफ नॉट वर्ड इन इन सेट स्टॉप वर्ड में नहीं है तो फिर उसको क्या करो भाई, लिमिटाइज करो, लिमिटाइज करके लिस्ट आ रहा है हमारा रिव्यू से जो स्टॉप वर्ड में नहीं है वो वर्ड के अंदर सेव हो रहा है फोर के बाद word. और वो यहां पे लिमिटाइज होने के बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू यहीं पर लिस्ट का पार्ट बना, यहीं पर दोबारा रिव्यू में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने रिव्यू को अपडेट कर रहा हूं समझ लो, उसके बाद हमने स्टैमर लगा दिया भाई, जो भी वर्ड रिव्यू के अंदर जो वर्ड्स अब बचे हैं अब उनके ऊपर ये सब तो चेक नहीं करना ना, तो चेक हो गया ना स्टॉप वर्ड वगैरह सब चेक हो गया यहाँ पर, अब दोबारा थोड़ी चेक करेंगे। रिव्यू में से उठाया एक एक वर्ड, उसको स्टैम किया और फिर रिव्यू में डालते हैं कि लिस्ट अपडेट हो, और फिर आखिर में उसको ज्वाइन लगा दिया तो वो सारे जो लिस्ट है वो जो स्प्लिट हुई थी वो ज्वाइन हो गई। तो इन द एंड जो है वो ये रिव्यू कॉर्पस में भेजते गए और कॉर्पस जो है वो रेडी हो गया। तो वो जो हमने अलग अलग बड़ा सा कोड लिखा था ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, परेशान ना, अगर आप वही लिखना चाहते हैं गो विद इट, गो विद इट, वो यहाँ बस एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सारा कोड घुसा दिया। थैंक यू, ठीक है भाई चलें आगे। यस सर, बहुत ऑप्टिमाइज्ड कोड है। तो अब ये हो गया हमारे पास, देखो हमने वेक्टर वेक्टर बना लिए अपने, हमारे पास जो जब हमने वहां बुक में डेटा लोड किया था तो वैसे आ रहा था ना, याद है? तो उस डेटा लोड की वजह से मुझे ये सारी कहानी आपको सुनानी पड़ी है जो लंबी हो गई काफी। खैर हम जो अपनी एग्जाम्पल कर रहे थे कौन सी वाली, मूवी रिव्यूज वाली, वापस चलते हैं उसके ऊपर। अब आपको ये हर वर्ड समझ में आना चाहिए, हर लाइन समझ में आनी चाहिए, कोई भी उभाम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना वो 10,000 क्यों लिखा हुआ है। अब आपके पास का क्लियर जवाब है, किसी को भी पकड़ के समझा देंगे ना तो समझ में आ जाएगा उसको भाई क्यों किया है, तौबा कर लेगा ना, पूछा ही क्यों मैंने, ऐसा तो होगा ना। ये आ गया 0,0, ये हमारे इधर जो इंडेक्स अप्लाई हुए वेक्टराइज किया है, ठीक है। कहां तक का काम है ये जो भी हम कर रहे थे वेक्टराइज होने का, यहां तक काम है, यहां तक का फिट चलाने तक, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो वन आउट इनकोड बन जाएगा। हमने निकाल के देखे रिवर्स इनकोडिंग की, तो ये कोड समझ में आ गया था, कुछ लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे तो -3 समझ नहीं आ रहा था, रिवर्स डिकोडेड रिव्यू, ठीक है। टोटल 9,999 टोकन्स इंडेक्स अप्लाई हुए, ये मैंने समझा दिया था किस तरह ये मैन्युअली जो है उसकी बैग ऑफ वर्ड्स बना रहे हैं। चलाता जाता हूं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बैग ऑफ वर्ड ये वही बाइनरी वाला ही है जी, ये ऑटोमेटिकली बाइनरी वाला अप्लाई हुआ है इसके पास, यहाँ जो कोड लिखा है ये बेसिकली बाइनरी बना रहा है। वैसे तो हम वहाँ वेक्टराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं साकेट लर्न का, लेकिन उन्होंने मैन्युअली करवाया था बुक के अंदर, तो मैन्युअली ही हमने उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ये आप
ये आ गए जीरो में, चेक कर रहा हूँ पहला वाला रिव्यू, तो यार दोबारा से करते हैं पहला वाले रिव्यू में देख लेते हैं। अब कोई पूछ सकता है भाई वन आउट इनकोडेड में तो एक दफा वन आता है एक लाइन में एक वेक्टर में, यहाँ दो दफा क्यों आ रहे हैं? तो यू हैव द आंसर कि भाई ये बाइनरी बैग ऑफ वर्ड है और बैग ऑफ वर्ड की टेक्निक इस्तेमाल हुई है वन आउट इनकोडेड ही, लेकिन उसका मॉडिफाइड वर्जन बैग ऑफ वर्ड्स। फिर हमने लेबल्स को किया, मॉडल बनाया, कंपाइल चलाया, यहाँ मैंने ये आपको सिखा दिया था वैलिडेशन और ट्रेनिंग, ये समझा दिया था मैंने। यस सर, वैलिडेशन और सारी चीजें हिस्ट्री सर एक दफा बता देना वैलिडेशन। अबे ये हो गया था ना यार पिछले वीडियो में देख लेना यार, गला बैठ गया मेरा, पूरे 6 घंटे हो गए मुसलसल बोलते हुए, इससे पहले भी एक क्लास ली। ओके सर कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना था, जो मैंने कहानी इतनी करी है वो इसीलिए करी है, आपने कोई रिव्यू खुद बनाना है और उसको यहाँ प्रिडिक्ट में देना है, लेकिन प्रिडिक्ट में डायरेक्ट रिव्यू तो जाएगा नहीं, जैसे इमेज के साथ हशर नशर किया था वो सारा प्री प्रोसेसिंग जो है वो आपको यूजर रिव्यू का लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात भाई लोगों? ये सारा प्रोसेस जो है ज्यादा लंबा नहीं, बस ये है रिव्यू लोग आखिर में वेक्टर, और वो फंक्शन को उठा गए इधर इसके अंदर रख दो यहाँ पर प्रेडिक्ट के अंदर, जैसे चलाओगे पहले वो फंक्शन चलेगा, टैक्स मांगेगा, टैक्स रिटर्न लाएगा, उसको कोडेड रिव्यू रिटर्न लाएगा, प्रेडिक्ट में चला जाएगा, प्रेडिक्ट में जाएगा, बस इतनी सी पाइपलाइन है। ठीक है, ठीक है सर। ये सब समझ में आ गया ना, तो मैं उसकी फर्दर एक्सपेरिमेंट इसके अंदर दिए हैं कि लेयर्स ऐड कर दें, यूनिट्स बढ़ा दें, सब प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं आपको और भी डेटा सेट देने वाला हूं। ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है, यहाँ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, बाइनरी नहीं है। ठीक है, सिंगल लेबल्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो 10 नहीं होंगी पॉजिटिव नेगेटिव की, बल्कि यहाँ 46 क्लासेस मौजूद है, 46 कैटेगरीज हैं खबरों की, तो काम वैसे हुआ बिल्कुल कॉपी काम है। ठीक है, लोड डेटा, नम टास्क, कैनवर्ड लेंथ निकाली, ये निकाली, ट्रेंड डेटा चेक किया, रिव्यूटर्स की खबर उल्टी करी, डेटा प्रिपेयर किया, वैसे ही वन आउट। अब यहाँ पर जो रिव्यूज हैं वो न्यूज के लेबल्स हैं 46 हैं, 0 to 45, लिहाजा उनको वन आउट इनकोड करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जैसे हमने डिजिट्स वाले केस में किया था, याद है? यस सर। तो ये कर लेंगे, कोड तो लिखा हुआ है यहाँ पर, वन आउट इनकोड करके, वरना आप वो कैटेगरिकल का मेथड भी इस्तेमाल कर लें जो वहां पर इस्तेमाल हुआ था, टू कैटेगरिकल। ठीक है, टू कैटेगरिकल जो है मैं दिखा देता हूँ आप लोग, पता नहीं भूल भूल ना गया। नो सर, क्लियर है। आप कुछ बोलते नहीं है तो मैं डर जाता हूँ कि खामोश जब हो गए ना, बोलती बंद हो गई, इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। या ये इस्तेमाल किया था, अगर आप मैनुअल कोड नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हमने ट्रेन और टेस्ट लेवल यहाँ पास कर देंगे तो वो इनकोड होके आ जाएंगे। ठीक है, 2.5 पेज नंबर 29। आगे निकल गया। ठीक है, तो
ये काम यूं भी कर नीचे लिखा हुआ यार, मैं इतनी ऊपर चला गया कसम से, ये लिखा हुआ बताया, खुद ही बता दिया उसने यार, कि अगर आप ये नहीं करना चाह रहे भाई तो टू कैटेगरी के लिए इस्तेमाल कर ले, बताओ जरा। बगल ने बच्चा शेयर में दौड़ा। अब नेटवर्क बनाया इसका, कितनी क्लासेस आएंगी आखिर में भाई? 46 ठीक है, 46 क्लासेस हैं। क्लासेस लेने का ऑप्टिमाइजर, यहाँ पर वही किया वैलिडेशन ट्रेनिंग मॉडल, ओके बाजी चला लिया, हो जाएगी एग्जाम्पल, कुछ बचा नहीं है। अब सारे कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए उसके अंदर, बैक एंड पे हो क्या आ रहा है, न्यू डेटा ट्राई करेंगे। कॉपी पेस्ट है ये भी, बस कुछ भी नहीं है इसमें तो, ठीक है। अब मॉडल विद इंफॉर्मेशन बॉटलनेक, यहाँ पर आ जाओ। बॉटलनेक क्या होती है? द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंगली सफिशिएंटली लार्ज इंटरमीडिएट लेयर्स, ये दरमियान में इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो काफी तादाद की लेयर हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है? टूट गया फिर स्टॉपर कहाँ है? इधर गर्मी गिरा हुआ बेटे, झाड़ू लगाएंगे ना फिर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि बीच में जो लेयर्स होती हैं वो कम या ज्यादा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? देखो यहाँ पर इन्होंने क्या गड़बड़ करी, बॉटल नेक क्या होता है? बॉटल नेक को समझने के लिए आप यूं समझ लें, बॉटल की जो गर्दन होती है ना वो ऐसी होती है कि अब कोई बंदा, अल्लाह का बंदा, एक लेयर इतनी बड़ी लगा रहा है, ठीक है, उसके बाद वो कम करता जा रहा है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एकदम से लेयर उसने बहुत कम कर दी बीच में, और फिर क्या किया जी? फिर उसने लेयर बढ़ाना शुरू कर दी। ये जो बढ़ाना शुरू कर दिया, कबड़ा के जो है ना फिर कम करना शुरू कर दिया, अब जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ जो है वो रिजल्ट पे पहुंच गया, ठीक है। ये जो सिनारियो क्रिएट हुआ है ना, ये वाला, ये बॉटल नेक सिनारियो है, बॉटल बन गई थोड़ी सी। ये इससे क्या होता है? देखो हमने लेयर्स के बारे में क्या पढ़ा है कि लेयर्स जो है वो डेटा फिल्टर है, डेटा फिल्टर, यहाँ से डेटा फिल्टर होता है और अगली लेयर में चला जाता है। फिल्टर का मतलब क्या होता है? चीजें फिल्टर में बढ़ती हैं या कम होती हैं? डेफिनेटली फिल्टर होकर चीजें कम होती। अब आप देखिए, अब आपने इतनी जो है ना छोटी लेयर लगा दी, तो इसके बाद जो डेटा पहले इतनी बड़ी तादाद में था दूसरी लेयर में पहुंच के, वो डेटा जो है फिल्टर होकर इतना रह गया, फिर तीसरी लेयर में जाके इतनी छोटी आपने लेयर लगा दी कि तीसरी लेयर के बाद जो वहां फीचर्स हैं, डेटा नहीं कह रहा हूं बल्कि जो फीचर है उस रिकॉर्ड के, वो इतने से रह गए। इतने से रहने के बाद अब आप उन फीचर्स को कह रहे हैं यार बड़ी लेयर में चले जाओ, इतनी बड़ी लेयर में दोबारा चले जाओ। तो अब मुझे ये बताओ कि भाई इस लेयर के पास इतने छोटे फीचर्स में से लर्निंग करने के लिए बचा क्या? ये तो इसको एक ही निवाले में हड़प कर जाएगी, और हड़प करने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगी? ठीक है, तो आपने यहां पर जो है मयाना रवि इख्तियार करनी है भाई, ऐसे बॉटल नेक्स जो है वो क्रिएट नहीं करने यहां पर, जैसे किया गया 64 के बाद 4 लगाया और दोबारा 64 में भेज दिए, 46 में भेज दिए। तो दिस इज इंफॉर्मेशन बैटल नेक है कि यहाँ पहुंचकर वो सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इसको मैं और आसान जबान में समझा देता हूँ, कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि व्हाट इज दिस, भाई देखो मैं यहाँ से ना कोई एक तस्वीर ले लेता हूँ किसी की, लाइक ये, एक तस्वीर है, मैंने एक लेयर लगाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ऐसी अंदाज से कह रहा हूं, ये तस्वीर जब यहां से फिल्टर होके निकलेगी तो जो गैर जरूरी चीजें होंगी वो ये ड्रॉप कर देगा ना हमारा फिल्टर,
जब तस्वीर यहां से निकल के अगली लेयर में आउटपुट बन के जा, इस लेयर का आउटपुट क्या होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, इस लेयर का आउटपुट ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे अगली लेयर लगी हुई, ये मैं अपनी अजम्पशन से बना रहा हूँ, रियल में पता नहीं ऐसा होता है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यहाँ लेयर थोड़ी छोटी आ गई, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब निकलेगी तो कहेगा यार ठीक है थोड़ी और फिल्टर करो, ये निकल गई। अब आपने क्या किया, अब आपने जो है ना नन्नी सी लेयर लगा दी दो न्यूरॉन वाली, जब इससे गुजरेगा तो जनरलाइज के बजाय बड़ा किसी स्पेसिफिक चीज को लेके जाएगा, समझ रहे बात? यस सर। आजा भाई कर्सर की से मूव, हाँ कर्सर की से मूव कर रहे हैं, में आए चलो यार थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ भाई। अब उसमें क्या होगा, अब उसमें इसको पहचान करने के लिए सिर्फ ये रह गया, यानी जो फीचर्स थे वो एक्सप्लिसिटली यहां पर डाउन हो गए, डाउन हो गए, ठीक है। आपने इसको बता दिया यार ये इमरान है, ठीक है, अब इमरान सिर्फ कितने से पहचान में आ रहा है, अब इमरान जो है ना वो अपने पूरे फेस से पहचान में नहीं आ रहा, तो अब इमरान की अगर कोई और तस्वीर आ गई ना तो वो बोल देगा नॉट इमरान, ओवरफिट हो गया। आप बोलेंगे यार ट्रेनिंग में तो सही कह रहा था, तो ट्रेनिंग में तो आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया आंखों के ऊपर, खाली आंखों की डायरेक्शन पोजिशन चेंज अगर आ गई तस्वीर में तो नहीं पहचानेगा वो, स्पेसिफिक हो गया इस एक फीचर के ऊपर, जबकि इमरान के फीचर बहुत थे, कि कान भी था, फेस वैल्यू की चीज, साइज भी था, इनके दरमियान बड़ी कैलकुलेशन करता है, ये नाक का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या है, ये कितना है, ये कितना है, सारी चीजें करता है इमेज प्रोसेसिंग। तो ये बॉटल नेक की वजह से ये मसला आ जाएगा, ये फीचर जो है वो एक्सप्लिसिटली रिड्यूस हो जाएंगे, ऊपर इन रिड्यूस फीचर को मैं कहूँगा यार आगे बड़ी लेयर में डालू, उसके लिए बचा कुछ नहीं, उसके लिए आप बचा क्या यहाँ पर, वो अब क्या बड़ी लेयर क्या करेगी आगे, आपने तो काम खराब कर दिया यहाँ पर, अब कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत कम है, ठीक है। तो वापस चलते हैं यहाँ पर, 8% जो है वो ड्रिप हो गया, 70% वैलिडेशन एक्यूरेसी आ गई, आपने मुख्तलिफ फर्दर एक्सपेरिमेंट लिखे हैं वो करने हैं इसके ऊपर। एक रिग्रेशन की एग्जांपल यहाँ मौजूद है, इसमें काफी चीजें हमने समझने की मौजूद है, हमारे पास डाटा अगर कम हो जाएगा ना, ये रिव्यू वाला खबर वाला कॉपी एग्जांपल है बिल्कुल, यस सर हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। Predicting house prices are regression examples. अच्छा भाई क्या है इसमें कि हमारे पास ये यही रिग्रेशन में सबसे पहले एग्जाम्पल यही नजर आती है हमें, बोस्टन हाउसिंग प्राइस डेटा, ये कह रहा है डोंट कंफ्यूज रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दोनों में क्या फर्क होता है भाई, रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक में क्लासिफिकेशन होता है, हाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, वेयर इज रिग्रेशन इज अ रिग्रेशन एल्गोरिथम, नाम में रिग्रेशन लिखा हुआ है, डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह किसी क्लास में, डेरिवेशन भी कराऊंगा उसकी, व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये है क्या, किस काम आती है। तो बोस्टन हाउसिंग प्राइसेस का डेटा है हमारे पास, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा सेट नहीं है, सिर्फ कितने 506 रिकॉर्ड्स, इतने कम रिकॉर्ड्स पे तो डीप लर्निंग काम ही नहीं करती ना, ऐसे ही ना, तो फिर हम कैसे जो है ना वो डीप लर्निंग पे जो है यहाँ काम करेंगे,
उसके लिए हम कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिससे हम डेटा से डेटा थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कैसे करते हैं देखेंगे, अभी देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया, बुक पे अभी समझा देता हूँ, रन आप कर लीजिएगा। डेटा लोड किया, ठीक है डेटा लोड हो गया, 404 सैंपल जो है वो ट्रेनिंग में आ गए, 102 सैंपल जो है वो टेस्टिंग में आ गए, ठीक है। ट्रेनिंग टारगेट्स, क्योंकि रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, यहाँ लेबल्स नंबर ही होंगे, यहाँ वन आउट इनकोड करने की जरूरत नहीं है। सुन लिया सबने? यस सर। ये हमारा वाई है, रिग्रेशन एग्जांपल में न्यूमेरिकल ही आउटपुट होता है, तो वी डोंट नीड टू। अब हमारे पास, और ये जो 15.2 लिखा हुआ है ये मिलियन डॉलर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, 1970 के प्राइस है, लेकिन सस्ते नजर आ रहे हैं आपको, घर जाए खरीदने ना शुरू कर दें। अच्छा भाई, डेटा प्रिपरेशन, सबसे पहले हमने डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, और मैं ऊपर ही लेता हूँ एग्जांपल को, अच्छा ये नॉर्मलाइजेशन सीखी भी आप लोगों ने पहले भी, याद है? ट्रेनिंग डेटा का मीन निकालो, ट्रेनिंग डेटा का मीन निकालो, एक्सिस जीरो पे मीन निकाल लिया, और मीन में ट्रेनिंग डेटा में से मीन सबट्रैक्ट कर दो, और फिर ट्रेनिंग डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। सिंपली क्या कहते हैं, मीन से सबट्रैक्ट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करें, तो आपका डेटा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम मैक्सिमम से डिवाइड कर रहे थे, हमने वहां पर किया था, किसके अंदर सर? ये रूल है नॉर्मलाइजेशन का, हर डेटा को हम इस तरह नॉर्मलाइज करेंगे, फार्मूला जी, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ही। दो चीजें होती है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। किसी ने पूछा भी था, मैंने शेयर भी कराया था उसको, नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, आप लोग भी देख लीजिएगा। लेकिन बिहाइंड द सीन उसके प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये हमारे पास ये जो है ना नॉमिनेशन कैसे हो रही है, क्या पीछे किया क्या उसने, ये जरा आर्टिकल पढ़ लेना, मुनासिब लग रहा था, आपको पता चल जाएगा की डिफरेंसेस क्या है। दे देता हूँ, चैट में लिख रहा हूं, सॉरी ये जमीन जा रहा है, ठीक है चैट में डाल दिया, और देखो यहाँ नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की जो वैल्यूज निकाली हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो हमने निकाली हैं ट्रेनिंग डेटा से, लेकिन टेस्टिंग डेटा के लिए भी सेम स्टैंडर्डाइजेशन और मीन की वैल्यू जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट डेटा की अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। दो तीन वजूहात हैं, एक तो ये कि टेस्ट डेटा है कम, और नंबर टू यहाँ इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की हुई, टेक्निकल बात, जरा पढ़े इसको।
देखो बेटा कौन नॉक कर रहा है गेट। हाँ भाई पढ़ लिया, क्या कह रहा है? तो ये समझाते हैं, समझ नहीं इसकी ज्यादा। देखो ये कह रहे हैं कौन, अच्छा जी ये कह रहे हैं कि भाई टेस्ट डेटा जो है ना बड़ा छुपा के रखना चाहिए ना, पहली बात। तो टेस्ट डेटा की कोई भी क्वांटिटी जो है वो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे कहीं पर भी। उसकी वजह यह है देखो, खास तौर पे न्यूमेरिकल डेटा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है, आप सब लोग मेरी क्लास में मौजूद हैं, अगर 500-600 बंदे रजिस्टर्ड हैं और मैं आप सबके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ किसी भी एक फीचर के बारे में, उसका अगर मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाए तो बाकी क्या बचा, आप क्या कहते हैं? सही बात है सर। जब भी मैं कोई हाइपोथेसिस बना रहा होता हूँ, उसको टेस्ट कर रहा होता हूँ, तो मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो काम कर रहा होता हूँ। अगर आप टेस्ट डेटा, हाँ अगर आप टेस्ट डेटा लेकर जो है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपोज कर देंगे, दैट मींस आपने पूरा टेस्ट डेटा एक्सपोज कर दिया। इसलिए वो कह रहा है कि टेस्ट डेटा की तो कोई भी चीज आपने जो है ना कहीं इस्तेमाल नहीं करनी, उसको बिल्कुल सिक्योर रखना है, एज सिंपल एज डेटा नॉर्मलाइजेशन। इवन के डेटा नॉर्मलाइजेशन जैसा सिंपल स्टेप भी जो है ना, उसके अंदर भी आपने जो है वो हरकत नहीं करनी। ये है क्योंकि अभी हम हाइपोथेटिकल लेवल पर डीप लर्निंग को बेसिकली पढ़ रहे नहीं है, ठीक है ना। और अगर एल्गोरिथम लेवल पर और जरा साइंटिफिक बुनियादों पर डीप लर्निंग को देखेंगे तो बड़ी ही चलाक है भाई, ऐसे ही नहीं इतने बड़े बड़े काम कर रही, ऐसे ही नहीं कर रही कि वो सिंपल जी लगाया नेटवर्क लगाया फिल्टर होगा, नहीं भाई ये पीछे बड़ी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मेरी आपकी जो है ना सोच से भी ज्यादा चलाक एल्गोरिथम है जो इस लेवल पे जो आउटपुट्स आ रहे हैं ऐसे ही नहीं आ रहे। इसलिए कहते हैं भाई एहतियात करें, खैर काम नहीं करें। तो इसलिए जो है वो टेस्ट डेटा को के मीन के अंदर भी जो है नॉर्मलाइज करने के लिए हमने ट्रेनिंग डेटा का मीन इस्तेमाल किया। पहला रीजन तो ये टेस्ट डेटा है कम, अगर मैं उसका मीन निकालूंगा तो मे बी वो ट्रू मीन रिफ्लेक्ट ना हो पूरे डेटा का, क्योंकि थोड़े से रिकॉर्ड है 404 वहां 102, तो हो सकता है ट्रू मीनिंग ना, सही मीन वैल्यू ना हो, सही स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो। तो ट्रेन डेटा में वही डेटा है ज्यादा है तो ठीक है वो वाला इस्तेमाल करो। सेकेंड रीजन तो बहुत टेक्निकल है, वो ये वाला है। अच्छा जी, नेटवर्क बनाया वही सिक्वेंशियल रेलू एक्टिवेशन, एक आंसर आएगा वैल्यू की शक्ल में तो एक ही हमने ले लिया, और रिग्रेशन के अंदर लास्ट लेयर पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कहीं उसको प्रोबेबिलिटी में चेंज नहीं करना, एग्जैक्ट जो वैल्यू आई है वही वैल्यू लेनी है, इसलिए किसी रेलू या किसी भी किस्म के एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऑप्टिमाइजर आरएमएस प्रूफ लॉस एमएससी मैट्रिक्स में हमने मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमें दिखा देगा, एब्सोल्यूट एरर की मदद से पता चल जाएगा हमारी एक्यूरेसी जो है वो कितनी आ रही है, और स्क्वायर्ड एरर जो है वो हमें लॉस की वैल्यू बता देगा, ठीक है। ये मैं शुरू में करा चुका हूँ स्क्वायर्ड एरर रिग्रेशन के अंदर के जो प्रेडिक्टेड पॉइंट है और जो हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट है उन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाल स्क्वायर कर लेता है, फंक्शन में रहा मॉडल फंक्शन में बना के रख दिया, चलो नया तरीका इस्तेमाल कर लिया मॉडल बनाने का और ये रिटर्न मॉडल हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मसला क्या है, अब मसला ये है, ये पढ़ लेना थोड़ा सा पैराग्राफ में कि भी कैसे कर रहा है सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन 01 के अंदर लाएगा, एमएससी फंक्शन क्या है, पढ़ा भाई वैसे नजर से गुजार लें। वैलिडेटिंग योर अप्रोच यूजिंग के फोल्ड वैलिडेशन, अब हमारे पास डेटा जो है ना वो कम है तो कम डेटा की सूरत में हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन हमारे डेटा को जरा मिक्सअप करके जो है वो काम कर रहा होता है। देखो यहां पर कितने लिखा है आप टीचर भी? अच्छा भाई जरा सा इस पैराग्राफ को पढ़ें, थोड़ा सा मैं अपनी एनर्जी बहाल करूं, एक मिनट खामोश रह के समझाता हूं।
सर बेसिकली अगर हमारे पास डेटा सेट बहुत स्मॉल है तो अगर हम उस पर कोशिश करेंगे ट्रेनिंग वैलिडेशन करने की तो चांसेस हैं हमारी वैलिडेशन जो है उसमें वेरियंस बहुत आएगी डिपेंडिंग ऑन कि हम डाटा किस पोर्शन को उठा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए. तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम डाटा को के फोल्ड्स की शक्ल में अप्लाई करते हैं, यानी कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स को ले रहे होते हैं उनको ट्रेनिंग करवाते हैं. फिर जो हमारे पास जो है अगर डेटा बहुत कम हो उसमें से भी हम ट्रेनिंग डेटा निकाल लें, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो टेस्टिंग डेटा निकाल लें तो ट्रेनिंग डेटा में बचेगा क्या, बहुत कम बचेगा, ठीक है. तो अब क्या होता है ऐसी सूरत में ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लॉसेस ज्यादा आएंगे, सब कुछ होगा. तो हम कहते हैं भाई बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, कि हमारा जो डेटा है ना उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, चंक्स में ब्रेक कर लेते हैं. तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 पांच चंक्स में ब्रेक कर लेते हैं, यानी कुछ कितने भी हो सकते हैं. के फोल्ड है, के की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, 3 फोल्ड हो सकते हैं, ठीक है, 5 फोल्ड हो सकते हैं, 7 फोल्ड हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास है डेटा कितना और उस पर कितने फोल्ड बनने चाहिए, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डेटा सेट के 5 फोल्ड बना लिए, तो 5 फोल्ड में 5 पार्टीशन तो यूं बनेंगे और 5 पार्टीशन जो है यूं भी बनेंगे, 1 3 4 5 छोटे बड़े हो गए थोड़े, खैर है, ठीक है. अब मेरे पास इन दिस केस अभी कितना डेटा है, मेरे पास 400, कितने आ रहे हैं, 402 रिकॉर्ड्स, 404 रिकॉर्ड्स, ठीक है. तो 400 ये मैं ट्रेनिंग में हो रहा है सब, हम क्या करेंगे, हमने 5 बना लिए. अब ये क्या होगा, 404 के 5 टुकड़े करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, 404 डिवाइड बाय 5 कितने आ रहे, 80 आएंगे, 80 चलो 81 कह लेते हैं, मैं इसको 4 चंक्स कह दूं, अगर 4 चंक्स कह दूं तो 101 हो जाएंगे ना, एक चंक में 101 रिकॉर्ड होगा, यानी यहां पर भी 101, ठीक है, यहां पर भी 101, यहां पर भी 101, चार, ठीक है, समझ लो ये हमारे पास नहीं है, नीचे से भी गायब हो जाएगा, लीनियर इसलिए रखा हूँ थोड़ा लॉजिक समझ में आ जाए और कोई मसला नहीं, ठीक है. हर एक में बंद, ये हमारा एक मॉडल है,
ये हमारा फोल्ड वन है एफ वन, ये मॉडल एफ वन चलेगा जब इसके ऊपर यहां से कोई एक्यूरेसी और लॉस आएगा। अच्छा भी बता तुम चलेगा कैसे, ठीक है चलेगा कैसे, हम इसके अंदर जब ये हमारा चल रहा होगा तो पहली दफा में हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम एक काम करो, ये जो वाला जो फोल्ड है इसको एज अ वैलिडेशन इस्तेमाल करो, क्या करो वैलिडेशन इस्तेमाल करो, इस फोल्ड को एज अ वैलिडेशन इस्तेमाल करो और बाकी इसको जो है वो एज अ ट्रेनिंग इस्तेमाल करो। अब जब पहला फोल्ड चल रहा हो कम डेटा के ऊपर, इन तीन डेटा पर ट्रेनिंग होगी और इसके ऊपर वैलिडेशन होगी, तो दो रिजल्ट्स आ जाएंगे, एक्यूरेसी लॉस किसके भी आ जाएगा, ट्रेनिंग का भी आ जाएगा और वैलिडेशन का भी आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। अब अगली दफा क्या होगा, अगली दफा अब ये नए सिरे से जा रहा है मॉडल में, ठीक है मॉडल जो है नए डेटा पे जाके ट्रेन हो रहा है, ये हमारे पास पोल टू है। पोल टू में हम क्या, अब क्या होगा पोल टू में, ये होगा कि भाई इस पे तो वैलिडेशन हो गई, अगर मैं सेम दफा ये चारों दफा ये सेम दे दूं तो फायदा क्या होगा, उसी ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेनिंग हो रही उसी पे वैलिडेशन हो रही, तो लॉजिक ये लगाई कि भाई अब इस दफा जो है ये वाला जो ब्लॉक है 101 रिकॉर्ड का इस पे वैलिडेशन होगी और बाकियों पे जो है वो क्या होगी ट्रेनिंग होगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब मेरी ट्रेनिंग के लिए एक 101 रिकॉर्ड्स का एक ऐसा ब्लॉक मेरे पास आ गया है जो बिल्कुल नया है, जो बिल्कुल नया है फॉर ट्रेनिंग, क्योंकि उस पर वैलिडेशन हुई थी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, ये ब्लॉक बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए जो है वो नया ब्लॉक आ गया। इससे फायदा हुआ, इससे हमारे मॉडल को फायदा हुआ कि डेटा भी चेंज हो रहा है और अनसीन डेटा भी आ रहा है नया ऐड हो गया, तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड कि भाई उसे नया खाने को मिल रहा है। और मजे की बात क्या है, वैलिडेशन भी अब ऐसे डेटा पे वैलिडेशन हो रही है जो इस मॉडल के लिए, इस मॉडल के लिए क्या था अननोन डेटा है, क्योंकि नए सिरे से जा रहा है, नए सिरे से जा रहा है, इसलिए अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये जो वैलिडेशन होगी दूसरे फोल्ड में ये बड़ी रिलायबल होगी, ये उसी वाले डेटा पे वैलिडेशन नहीं हुई है जो पुराने वाले वैलिडेशन थी, कि आप बोलो यार वही रिजल्ट आएगा सेम। अब देखो मॉडल नया हो गया और डेटा भी नया हो गया, सिमिलरली ये स्टेप जो है वो तीन दफा रिवाइज होगा, चार दफा यहाँ पर और हर जगह पे, हर दफा देखो आपके पास वैलिडेशन के लिए नया डेटा मिलता जा रहा है और ट्रेनिंग के अंदर भी एक बॉक्स ऐसा है जो ट्रेनिंग के लिए भी नया होते जा रहा है। ये अप्रोच बड़ी रिलायबल अप्रोच थी जिससे ये काम जो है वो होता रहा। आप कोई लाइब्रेरी यूज कर लें, scikit-learn की वैलिडेशन अप्लाई कर दे के दे देगी, यहाँ बुक में मैनुअल कोड लिखा हुआ है और ये किस तरह क्रॉस वैलिडेशन बनाई है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह हमारे पास एक एक्यूरेसी आएगी, दूसरी एक्यूरेसी आएगी, तीसरी एक्यूरेसी आएगी, चौथी एक्यूरेसी आएगी, चारों एक्यूरेसीज का एवरेज एक्यूरेसी स्कोर निकाल लेंगे और कहेंगे भाई ये हमारे मॉडल जो है वो कितनी एक्यूरेसी जो है वो दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी हम करते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग टाइप हुआ हुआ है, वैलिडेशन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वैलिडेशन, वैलिडेशन कर दिया इसको, यहाँ पर वैलिडेशन लिख दिया, ट्रेनिंग आना चाहिए। खैर आप लोगों के पास शायद नए वर्जन की बुक हो तो उसमें चेंज हो गया, ये पूरा कोड लिखा हुआ है, मैं इसको समझाता भी हूँ थोड़ा सा। K की वैल्यू 4 दे दी है, नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल्स ट्रेनिंग डेटा की लाइन डबल स्लैश लगा के K किया हुआ है ताकि डेसिमल में ना जाए और इंटीजर पार्ट आ जाए। नंबर ऑफ ईपॉक्स 100 ईपॉक्स चलाने, डेटा कम है, हर मॉडल का स्कोर यहाँ के अपेंड होता रहेगा, बाद में इसकी एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ से क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर कोड बड़ा जबरदस्त है, ये कह रहे हैं भी फॉर आई इन के पहली दफा 0 आ जाएगा, इसमें प्रिंटिंग हुआ आएगा प्रोसेसिंग फोल्ड नंबर 0, फोल्ड नंबर 0 इसमें क्या कर रहा है वो समझना अभी सब लोग। ट्रेनिंग डेटा लो,
ट्रेनिंग डेटा में आई की वैल्यू क्या है भाई, जल्दी बताना। जीरो 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 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल, कितने थे नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल, फोर से डिवाइड किया 101 104 को, तो कितना आएगा भाई 100। फिर डबल स्लैश लगाया हुआ, डेसिमल भी नहीं आएगा, कॉलन लगाया, जीरो प्लस वन कितना हो गया वन, नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल कितने 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने हो गए अभी स्लाइस क्या बन गया, जीरो से लेके ये वाला स्लाइस नहीं भरवा 100 तक, ये बन गई स्लाइस। डायनेमिक कोड लिखना है असल में ना, ठीक है। तो यानी अब मैंने कह दिया ट्रेनिंग डेटा का ये स्लाइस है 0 से लेके 100 तक के रिकॉर्ड्स, ये समझ में आ गई, इतनी लाइन समझ में आ गई। अच्छा भी, तो वैलिडेशन डेटा आ गया पहले चंक में, जब पहली दफा प्रोसेस चल रहा है तो वैलिडेशन डेटा क्या होगा 0 से लेके 100 तक होगा, यही वाली बात है जो भी हम यहाँ पे कर रहे थे, पहले चंक में हमने क्योंकि 404 पूरा लिया है और डिवाइड किया है, उन्होंने डबल स्लाइस लगाया तो 100, तो 100 रिकॉर्ड्स का पहला जो स्लाइस है 100 रिकॉर्ड इस पूरे में से 0 से 100 तक का ये वाला रिकॉर्ड वैलिडेशन में चला गया, गुड चला गया, यहाँ पर भी ये दिखा रहा है चला गया। अब टारगेट वैल्यूज के साथ भी ये करूंगा, जो लेबल्स हैं सेम चीज कर दी मैंने, 0 से लेके 100 तक की जो उसकी प्राइस है टारगेट के वो ले ली। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब बाकी क्या बचा, बाकी बचे हमारे पास 4 की है ना, इसको 3 और बचे, उसको नाम दिया पार्शियल ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि हमने शुरू में याद है ट्रेनिंग डेटा को 2 हिस्सों में तोड़ा था, वैलिडेशन डेटा और पार्शियल ट्रेनिंग डेटा। पार्शियल ट्रेनिंग डेटा के लिए कॉन्केटिनेट करवा रहा हूँ, कॉन्केटिनेट को बाद में डिस्कस करेंगे, ये कॉन्केटिनेट यहाँ पे हो रहा है एक्सेस 0 पे, अभी इसको छोड़ दे, अंदर का डिस्कस करते हैं पहले। ने क्या किया अभी, एक मैं इसको बेसिकली असल में कॉपी करके वहां ले जाता हूँ, थोड़ा सा कोड जो है वो सिंपल हो जाएगा। पार्शियल ट्रेनिंग डेटा ये हमारे पास कॉन्केटिनेट हो रहा है, कॉन्केटिनेट जो है वो हमसे दो एरेज या दो मैट्रिक्स मांगता है ना, समझना भाई, कॉन्केटिनेट जो है उसको दो चीजें चाहिए होती, कॉन्केट दो नंबर एरे चाहिए या मैट्रिक्स चाहिए, ऐसे ही एक हम यहां से निकाल लें, ट्रेनिंग डेटा 0 से लेके आई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल्स, 0 से लेके आई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल्स क्या बनेगा, क्या स्लाइस बनेगा भाई, 0 से शुरू करो, आई में 0 पड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, एक तो ये हो गया 0 to 0 का स्लाइस, और दूसरा क्या है आई प्लस वन, जब आई प्लस वन है 0 प्लस 1 मिल जाएगा नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल्स, और आगे आगे का सारा डाटा, ठीक है, क्या बन जाएगी, एक चंक किसमें आ गया, एक चंक ये वाला हो गया, एक चंक ये वाला होगा, थोड़ा गौर करें समझ में आ जाएगी बात। यस सर। तो हमारे पास पार्शियल ट्रेनिंग डेटा में क्या चला गया भाई, 100 तक आ गया, ठीक है, और ये दोनों को कॉन्केटिनेट किया तो पहली मैट्रिक्स में कुछ था ही नहीं, कोई बात नहीं, 0 थी वो, तो अगली दफा टारगेट के साथ भी यही किया, अगली दफा जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, अब वैलिडेशन डेटा में हो गया ये 1 से लेके नंबर ऑफ सैंपल, यानी 100 से कहानी शुरू हो जाएगी,
और ये कहानी कहाँ से शुरू हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 और ये नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल 200, तो 100 से लेके 100 से लेके कहाँ तक का डेटा हो गया, 200 तक का डेटा। फिर तीसरी दफा लूप चलेगा तो 200 से 300, फिर 300 से 400 तक, तो ये चार चंक्स जो है वो पार्शियल में कॉन्केटिनेट होते चले जाएंगे। पहली दफा पहले फोल्ड के अंदर, फिर दूसरे फोल्ड के अंदर, फिर तीसरे फोल्ड के अंदर एंड सो ऑन। तो ये अब यहाँ पर ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन आपको इसको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। आप लाइब्रेरी जो है वो अभी मैं पैकेटलन वाली एक रेफरेंस शेयर करा रहा हूँ, चैट के अंदर पहले भी शायद शेयर कराई थी, उसको ले लीजिएगा। मैंने चैट में दे दी सर, ग्रुप में डाल दूं? ग्रुप में डाल दूं? कम्युनिटी में डाल दे सर। आज क्लास कब तक करेंगे? आज जल्दी खत्म कर देंगे यार, हिम्मत खत्म हो गई। ठीक है सर, नमाज भी सर अभी पढ़ेंगे। अभी ये एग्जांपल कर लें, फिर उसके बाद एंड कर दें। चैट खुद ही तुम लोग ग्रुप में डाल देना, चैट में से उठा लो। टेंसर फ्लो कोड एस्टीमेटर कौन सा है भाई? केस ना, अच्छा मैंने एक सेल नहीं चलाया, वो के नहीं आ रहा ना, वो ये वाला। अब देखो ये प्रोसेसिंग फोल्ड वन फोल्ड टू, मैंने वर्बोस जीरो किया हुआ इसलिए नजर नहीं आ रहा मॉडल में, मॉडल तो मैंने लगाया नहीं। यहाँ से उठाता हूँ मॉडल, वन करूंगा तो कैलकुलेशन नजर आएगी। कोई मॉडल का फंक्शन कहाँ गया भाई, और कॉपी नहीं किया। जब तक ये चल रहा है आगे बढ़ते हैं, बस ये रिजल्ट ले आएगा। ऑल स्कोर्स में हर ईपॉक का, हर फोल्ड का स्कोर चला जाएगा, 100 टाइम पॉक चलने टाइम लेगा। उसके बाद हमने ये np.mean लगाया ऑल स्कोर्स पे, तो ये हमारे पास जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो आ गया। तो 2.99 तकरीबन $3,000 का जो है एवरेज लॉस आ रहा है। यानी अगर कोई कीमत 50,000 है तो या तो 47,000 प्रेडिक्ट कर रहा है या 53,000 प्रेडिक्ट कर रहा है, जब 3,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, बाकी आगे का देख लीजिएगा, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ वैसे ही है। हिस्ट्री में से निकालिए, दिखा दिए यहाँ पर, जितना आगे समझ में आए चला लेना। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे अगला चैप्टर। मैं कुछ रिग्रेशन के और क्लासिफिकेशन के डेटा सेट दूंगा सिंपल, उनको करना है, और साथ साथ जो है ना वो उनको अपने डेटा पे भी प्री प्रोसेसिंग भी अप्लाई करनी है अपने डेटा पे और सारे काम करने हैं। ठीक है, ये टाइम इसलिए ले रहा है कि देयर आर 100 epochs और फोल्ड भी हमने 5 बनाए, तो उतनी दफा चल रहा होगा।
हर ईपॉक पे जो है ना इतने फोल्ड वो चला रहा होगा। ठीक है, कोई सवाल है? सर एक चीज क्लियर कीजिएगा, जो आपने बताया था कि हम टेस्ट डेटा पे नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते हैं ताकि डाटा अनसीन रहे, तो सर क्या ये चीज सिर्फ हम डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए करते हैं या पर मशीन लर्निंग में भी? हमेशा की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमेशा की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इशू कहते हैं आता है कि अगर हम अगर हम ट्रेनिंग डाटा पे नॉर्मलाइजेशन या आया स्टैंडर्डाइजेशन कर दें और हम जो है वो चीज नहीं करते हैं तो मॉडल के लिए इशू नहीं हो जाता है प्रिडिक्ट करना उसको, नहीं, जो फॉर्मेट में चीज आ रही है? टेस्ट डेटा पे कर तो रहे हैं हम, लेकिन टेस्ट डेटा से वैल्यू नहीं ले रहे बेटे। हमने देखो वॉर करो ना, इधर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करिए टेस्ट डेटा पे, बट वैल्यू टेस्ट डेटा की नहीं लिए हमने नॉर्मलाइज करने के लिए। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये देखो टेस्ट डेटा वो किया है हमने, लेकिन मीन तो दोबारा नहीं कैलकुलेट किया ना, ट्रेनिंग वाला ही मीन लिया है ना। सर मतलब हमने टेस्ट डेटा की वैल्यूज पर मीनिंग लगाया, वैसे ही हमने ट्रेन डेटा पर मीन लिया था। हाँ, जो ट्रेन डेटा का मीन लिया था उसी मीन से हमने टेस्ट डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया, अपना मीन नहीं निकालने दिया टेस्ट डेटा को। सही, और स्टैंडर्डाइजेशन में यही किया हमने। जी फॉर लूप के अंदर आएगा भाई। ठीक है, इसको चला लेना, बस नमाज का टाइम हो गया, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ, ये सारी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। सर रिकॉर्डिंग भी जल्दी शेयर। ठीक है, अक्सा मौजूद है? अक्सा सब याद है, हाथ हो रही है। चलो मैं बोल दूंगा उसको। चलो ठीक है, एंड कर रहा हूँ बस मैं। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों फाइलें शेयर कर दीजिएगा जो पहले भी थे। मैं आमिर भाई आ गए। हाँ भाई, आपको याद कर रहे थे हम। अच्छा अच्छा आमिर भाई, ओ, हमने प्लान बनाया है यहाँ पर कि आमिर भाई को पकड़ेंगे हम एसक्यूएल पढ़ने के लिए। चलें जी, जबरदस्त। तो हमारी इंशाल्लाह दो अगली क्लास खत्म हो जाए तो रमजान भी फिर हमारा इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। फिर हमारे पास जितना भी टाइम होगा ना, हम वीक में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की दो तीन दो क्लासें तो एटलीस्ट कर लेंगे, ताकि हम मशीन लर्निंग वगैरह और इस वो अच्छा तो उसमें ये होगा कि अपना जो ये पढ़ाई वाला सिलसिला है इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, तो दूर तक जो है वो एड ऑन करते रहेंगे चीजों को कोर्स के अलावा। उसमें जिसमें जिस बंदे की जो भी एक्सपर्टीज है, अगर उसको लगता है कि वो पढ़ा सकता है इसको, भाई वो जरूर अपना पार्टिसिपेशन जो है वो डाले। ठीक है, तो सही सही। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ डिजायर तो क्या है, बस ये कि इनको इतना एसक्यूएल आ जाए कि ये कहीं इंटरव्यू वगैरह थोड़ा बहुत जो है ना मिड लेवल का पास कर सके। हाँ चलो, ओके जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बाकी लोग भी जो समझते हैं कि यार वो इस चीज में हमारी एक्सपर्टीज, ये जॉब कर रहे हैं इसमें एक्सपीरियंस है, वो भाई सामने आए इंशाल्लाह। ठीक है, उनको हम यूटिलाइज करेंगे, सब लोगों के लिए ओपन है। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ फिर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं।
ओके जी, थैंक यू।